हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि सीबीएसई ने हाल ही में बताया है। और ये चीज़ पहले से आप लोगों को पता भी होगी कि अगर आपका अटेंडेंस 75% से कम हो तो क्या आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो इसका सीधा सा आंसर है कि आप नहीं दे पाएंगे। और अगर आपका 75% से कम हो तो आप किस तरीके से आप क्या करें कि आप एग्ज़ाम दे पाए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करो। तो देखो, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड 12th एग्ज़ाम 2020 अटेंडेंस रूल्स। इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ अ जेन्युइन रीज़न बिहाइंड द शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस, दे विल हैव टू सबमिट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विद द अथॉरिटीज 22 जनवरी 7, जनवरी के 7 तारीख तक। आपको अगर आपके पास जेन्युइन रीज़न है कि जिस कारण से आपने अटेंडेंस आपके कम हुए हैं, यानी कि या तो आपको मेडिकल लगाना पड़ेगा या फिर आपके जो भी रीज़न है जेन्युइन रीज़न, वो आपको अथॉरिटीज़ के पास उसका रीज़न सबमिट करना होगा विथ प्रूफ। और ये चीज़ जो आपको करनी है वो 7 तारीख तक करनी है, जनवरी के 7 तारीख तक, ठीक है, तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। फिर यहाँ पर और एक चीज़, यहाँ पर अपडेट ये आई है, यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ लिखा हुआ है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इट्स लेटेस्ट नोटिस हैज़ डायरेक्टेड स्कूल टू कैलकुलेट अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट सेट टू अपियर फॉर क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम्स दिस ईयर एज ऑन जनवरी 1, 2020। स्टूडेंट हुज अटेंडेंस विल बी कैलकुलेटेड लेस देन 75% विल नॉट बी अलाउड टू अपियर फॉर एग्ज़ाम एज़ पर द रूल, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स की अगर 75% से कम मार्क अटेंडेंस है तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, और उनको अपना जो रीज़न है, वैल्यूबल रीज़न जो है उनका होगा, वो उनको 7 तारीख तक सबमिट करना ही पड़ेगा, और उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो सीबीएसई का जो बोर्ड एग्ज़ाम है ना, वो 15 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो ये काम आपको जनवरी के 7 तारीख तक करना ही होगा। द शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस, दे विल हैव टू सबमिट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विद द अथॉरिटीज बाई जनवरी 7, ठीक है, एज पर द सर्कुलर। नो केस विल बी कंसिडर्ड पोस्ट द डेडलाइन। इसके बाद अगर आप जाओगे तो आपकी चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आप 10th एंड 12th में हैं, अगर आपको पता होगा कि अगर आपको पास होना है ना, कम से कम आपको 33% मार्क्स लाने ही होंगे। आपको अलग अलग थ्योरी में भी अलग से पास होना पड़ेगा और प्रैक्टिकल में भी अलग से पास होना पड़ेगा, और मिनिमम परसेंटाइल जो आपकी होती है वो कितनी होगी, 33%। ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने क्लास 10, 12 की सारी चीज़ें करा रखी है, जिसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट पे जाके भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।